नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो उवज्जायाणं नमो लोए सब साहूणं एसो पंचनमुकारो सब पावप्पनाशनो मंगलाणं च सब्बेसे परमं भवई मंगलम। आज हम प्रभु की आज्ञा के बारे में बात करेंगे। नमो अरिहंताणं, उसका तात्विक अर्थ शास्त्रों में लिखा है, बहुत अच्छी तरह समझाया गया है कि नमो अरिहंत आणं, तो एक अर्थ ये भी होता है कि अरिहंत की आज्ञा को नमस्कार। तो कौन सी प्रभु की आज्ञा है? जैसे भगवान के सर्व उपदेशों का सार यदि एक उपदेश में देना है तो कह सकते हैं कि समयम गोयम मा पमाए, हे गौतम एक क्षण का भी आप प्रमाद मत करिए। गौतम को कहने के द्वारा प्रभु ने हमारे लिए ये जबरदस्त उपदेश दिया है। प्रभु की बहुत सारी आज्ञा है, उसमें फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आज्ञा कही है, कौन सी है? तो कहा जाता है कि आप हये से सरल बनो, मायावी मत बनो, ये प्रभु की फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आज्ञा है। लेकिन असंख्य आज्ञाओं का सार यदि समझो हमें समझना है तो पांच आज्ञा के अंदर ये पूरा आज्ञा का सार कहा गया है। पूज्य आचार्य भगवंत गच्छाधिपति श्री युगभूषण सूरी सचिव महाराजा पंडित महाराज अभी कांदिवली मलाड में पधारे, तभी उन्होंने सब शास्त्रों का चिंतन मनन परिसलन करने के बाद में ये पांच आज्ञा बताई। बहुत ही अच्छी तरह उन्होंने ये संशोधन किया है। पहली आज्ञा क्या है? सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, तो भव निव्यो, मतलब भव का निर्वेद। गम्मे ते वो सारो भव हो तो पण आपने में कंटाळो वैराग्य प्रकट होवो जोईए। चाहे इंद्र महाराज का आसन भी मिल जावे लेकिन वो पद वो भी कायमी सुख देने वाला सच्चा सुख देने वाला नहीं है। तो भव के प्रति हमारा निर्वेद प्रकट होवे। यदि हमारे पास भव निर्वेद नहीं है, जयविराय में इसीलिए 13 जो प्रार्थना की गई है उसमें सबसे पहले नंबर की प्रार्थना भव निब्बेओ, बाद में मग्गमुसारिया वगैरह प्रार्थना बताई गई है। यदि हमारे पास भव का निर्वेद नहीं है और हम धर्म क्रिया करते हैं तो शास्त्र कहते हैं कि ये पापानुबंधी पुण्य का बंधन होता है। आज हम ये भव निर्वेद के बारे में मन को बराबर निश्चित कराएंगे और भव के प्रति वैराग्य प्रकट करने की कोशिश जरूर करेंगे। दूसरी आज्ञा प्रभु की क्या है? कि सब लक्ष्य के साथ धर्म कीजिए। जैसे कि सामायिक करना है तो हमारा समता का लक्ष्य होना चाहिए। नौकारसी करते हैं तो अनाहारी पद की प्राप्ति करना ये हमारा लक्ष्य है। भगवान का दर्शन वंदन पूजन करते हैं तो वहाँ पे प्रकट भगवान है, अंदर एक प्रच्छन्न भगवान है छिपे हुए, उसको प्रकट करने के लिए हम दर्शन वंदन पूजन करते हैं। ऐसे हम कोई भी धर्म क्रिया करते हैं तो पहले उसका लक्ष्य निश्चित होना चाहिए। लक्ष्य निश्चित होने के बाद में यदि धर्म क्रिया की गई तो उसकी ताकत बहुत ही बढ़ जाती है, धर्मानुबंधी अनुष्ठान बन जाता है वो। तीसरी प्रभु की आज्ञा है कि प्रत्येक समय आप शुभ में रहो, किसी की निंदा टीका ईर्ष्या वो सब बंद कर दो, एक भी अशुभ विचार मत लाओ। और चौथी आज्ञा इसकी पॉजिटिव आज्ञा के उसमें लिखे अशुभ मत करो, चौथे में लिखा कि आप प्रत्येक समय शुभ में रहो। देखो यही बात फिर से कह के दोहराई गई, मतलब अशुभ नहीं करो मतलब शुभ में रहो, वो बात उसमें है लेकिन फिर भी उसको ज्यादा अच्छी तरह उसका प्रभाव पड़े इसके लिए चौथी बात ये कह गई कि प्रत्येक समय शुभ में रहो। और पांचवी आज्ञा, आप बोलेंगे नहीं सब पांच आज्ञा नहीं एक ही आज्ञा बता दो, पांचवी आज्ञा में सब आज्ञा का सार है। यदि एक ही आज्ञा बतानी है तो बता सकते हैं कि औचित्य का सेवन, उचित समय उचित वर्तन करना, वो प्रभु की सब आज्ञा का सार है। पिताजी को सर दुखता है और मुझे पांव दबाना अच्छा लगता है तो मैं तो पांव ही दबाऊंगा, लेकिन उचित समय वो है कि अभी उनका सर दुखता है तो सर दबाना चाहिए। शिष्य को उपवास है लेकिन गोचरी ज्यादा हो गई है तो गुरु बोलते हैं कि आप
आज भले उपवास का पचखानी गोचरी वापर लो, तो वो गोचरी वापरेंगे तो उनको पाप नहीं लगता है, गुरुवाग्ना उसका पालन का बहुत बड़ा पुण्य होता है। तो उचित समय में उचित वर्तन करना, इतना भी हम बराबर सीख लेवे तो जीवन में मंगल और कल्याण की परंपरा चालू होती है। जिनाग्ना विरुद्ध कुछ भी प्ररूपणा हुई है तो अंतकर्ण गुणों का मिच्छा मिद्रम, यह पांच आज्ञा हम जल्दी से हमारे जीवन में प्रस्थापित करें और हम उसका पालन करें और आत्मा का कल्याण करें, यही मंगल शुभकामना। धन्यवाद, प्रणाम।